नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कोटा से। आरटीओ प्रोफेसर द्वारा अस्मत मामले के मामले में आरोपी प्रोफेसर और छात्र को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान आरोपी को एडवोकेट अतीश सक्सेना ने थप्पड़ जड़ा है। और आपको बता दें कि देर रात आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और छात्रा से अंक बढ़ाने के एवज में अस्मत मामले का ये पूरा मामला है। और गंभीर आरोप यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगे हैं। अब छात्रा की शिकायत पर दादाबाड़ी पुलिस लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है। और छात्रा को परीक्षा में पास करने के एवज में अस्मत मांगी थी और जिसको लेकर यह पूरा मामला अब यहां पर गर्माता नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पेशी के दौरान एडवोकेट ने यहां पर आरोपी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ा है। एडवोकेट अतीश सक्सेना ने आरोपी को यहां पर थप्पड़ चढ़ाया। बताया जा रहा है कि देर रात आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेश किया गया। और पेशी के दौरान यहां पर आरोपी प्रोफेसर को थप्पड़ चढ़ा है। और हमारे सहयोगी केके लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। केके, तस्वीरों में देख पा रहे हैं पेशी के दौरान जब एडवोकेट ने यहां पर आरोपी को थप्पड़ जड़ा है, फिलहाल जो कार्रवाई है कहां तक पहुंची है, क्या कुछ वहां पर हालात है? देखिए अंकुर, आज सुबह से हंगामा का दौर चल रहा है। जब से इस आरोपी जो गिरीश परमार है प्रोफेसर, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से छात्रों का हंगामा था। अब जब इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो वकील है वहां पर काफी इसको थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस मौजूदगी में हालांकि इसको पेश किया गया था, लेकिन मौका मिलते ही उसने इसको एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया। फिलहाल आरोपी गिरीश परमार को, जो सहयोगी जो बिचौलिया छात्र है अर्पित, उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल दोनों की कोर्ट में पेश किया गया। कुछ ही देर के बाद स्थिति क्लियर होगी। हालांकि कोटा पुलिस ने रिमांड की मांग की है तो कुछ देर बाद स्पष्ट स्थिति रूप लगेगी कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जानी है, रिमांड मिलता है या जेसी भेजा जाता है। इन तमाम पदों को कुछ देर बाद पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल आरोपी को थप्पड़ जड़ा है, साथ ही आरटीयू में आज हंगामा देखने को मिला था। इससे पहले वीसी के ऊपर भी जूता फेंका गया था। तो कहा जा सकता है कि आज सुबह से हंगामे का दौर चल रहा है, लेकिन अब जब गिरीश शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे सस्पेंड किया जा चुका है, इसके बाद में छात्र जो है कहीं ना कहीं इस बात को, कार्रवाई को लेकर संतुष्ट है। लेकिन अभी भी जो कार्रवाई है वो आगे की जानी है कि कितनी और लड़कियां इन्होंने अपना शिकार में फंसाया, उनको कितने और लड़कियां ऐसी थी जिनके इन्होंने जिसका सौदा किया और किस तरीके से नक्सल चलाते थे, इन तमाम पहलुओं पर कोटा पुलिस की जांच आगे की जानी है और इसी के लिए पुलिस ने रिमांड की मांग की है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की तरफ से रिमांड की यहां पर मांग की जा रही है। कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से यहां पर क्या कुछ आदेश आता है उसके बाद भी स्थिति साफ होगी। लेकिन दो मांगे यहां पर छात्रों की तरफ से की जा रही है, छात्राओं की तरफ से की जा रही है। पहली कि जो पहले का रिकॉर्ड है वो यहां पर खंगाला जाए, पहले जो छात्राएं हैं जिन्हें फेल किया गया था उनके रिकॉर्ड यहां पर हिस्ट्री जो है वो खंगाली जाए और फिर से जांच की जाए कि आखिर नंबर कम क्यों दिए गए थे। दूसरा यहां पर यह है कि सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन बर्खास्तगी की मांग अभी तक छात्रों की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा था। तो अगर कैंपस की यहां पर बात की जाए तो फिलहाल कैंपस में स्थिति कैसी है, क्या अब भी छात्र वहां पर मौजूद है, जो अब तक वहां पर मौजूद है? देखिए, जब छात्रों की मांग थी कि वीसी मौके पर पहुंचे और इस आरोपी जो टीचर है उसको बर्खास्त की जाए, तो वीसी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रों की को संतुष्ट करने के लिए उन आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बर्खास्तगी के विषय पर जब हमने वीसी से बात की तो वीसी ने बताया कि इसका एक सर्टन प्रोसीजर है, सरकार में इसकी प्रोसीजर पूरा किया जाना होता है, इसके बाद ही बर्खास्तगी होती है। लेकिन फिलहाल एहतियातन छात्रों का आक्रोश को शांत करने के लिए आरोपी जो गिरीश परमार है उसको सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही जो आरोपी जो बिचौलिया छात्र था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। आगे की जांच जिस तरह की होगी, जिस तरह की इसी लीगल प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद जैसे तथ्य आएंगे उसके बाद हो सकता है इसकी बर्खास्ती भी हो जाए। तो फिलहाल लेकिन जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ है, छात्र शांत है और अब आरटीयू कैंपस को खाली करवा दिया गया है। सिटी एसपी केशव सिंह शेखावत सहित तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पर रहे, छात्रों को समझाइश की, उनकी मांगों को पूरा करते हुए आश्वासन दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने कैंपस को खाली कर दिया। जी जी चलिए ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल पेट कोर्ट में दोनों की जो है वो यहाँ पर पेशी हो रही है, कितना टाइम यहाँ पर लग सकता है, कितनी देर में कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो आ सकता है?
देखिए वो अभी हाल ही की घटना है, क्योंकि पुलिस कोर्ट में ला चुकी है और दोनों अपना लाकर बात की जाए तो कोर्ट में जो जज के समक्ष दोनों को पेश किया गया है। अभी पुलिस अपने तर्क वहां पर और अपनी जो कार्रवाई है उसको लेकर के जज के सामने प्रेजेंट हुई है, उनको अभी की प्रोसीडिंग के लिए प्रेजेंट की जा रही है और वहां पर जज जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही पलों के अंदर, मैं कहूंगा कि कुछ ही पलों के अंदर तस्वीर जो है साफ होने वाली है कि आरोपी किशर को रिमांड मिलता है या देसी मिलती है। लेकिन हालांकि कोटा पुलिस का दावा है कि वो इसके रिमांड यहाँ पर लेना चाहेगी, क्योंकि इसमें आगे की जो पूछताछ है वो भी इससे की जानी है। कोटा पुलिस रिमांड के लिए अपना दावा पेश करेगी, देखना होगा कि जज जो है सुनवाई के बाद में क्या तय करते हैं। जी ठीक है, क्योंकि नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आरोपी प्रोफेसर और जो दलाल छात्र है उन्हें दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और इसी दरमियान एडवोकेट ने यहाँ पर आरोपी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ा है, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर और कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो तस्वीर यहाँ पर साफ होगी कि कोर्ट जो है पुलिस रिमांड पर यहाँ सौंपती है या फिर क्या कुछ फैसला रहता है, तो वो भी यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगे वो तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार उसे साझा कर रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि नाराजगी इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से लोगों में देखने को मिल रही है, ना सिर्फ आमजन छात्र छात्राएं बल्कि जो एडवोकेट्स हैं उनमें भी नाराजगी, क्योंकि एडवोकेट की तरफ से आतिश सक्सेना नाम बताया जा रहा है जिस एडवोकेट ने यहाँ पर थप्पड़ जड़ा है। तो दो तस्वीर अब आपके सामने है, आपको बता दें कि पहली जो तस्वीर है तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जो है ये उस वक्त की तस्वीर है जब कॉलेज कैंपस में और कॉलेज के बाहर जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे थे और प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार वीसी को बुलाने की मांग यहां पर की जा रही थी और जब वीसी आए तो वीसी के ऊपर एक छात्र ने जूता फेंका यहाँ पर और उसको लेकर जो पुलिस है वो फिर उस छात्र पर यहाँ पर पुलिस जो है वो भिड़ी और उसके बाद छात्र को हिरासत में लिया गया, वहां से छात्रों को खदेड़ा गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि कोर्ट परिसर की है, ये उस वक्त की तस्वीर जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और उस दरमियान एडवोकेट की तरफ से आरोपी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ा गया है। चारे। 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 चारे।